सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज जो है मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं बोलूँगा, क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है पहले टेस्ट मैच में, इसको देख के तो यही लगता है कि इंग्लैंड जो है कई ज़्यादा बेहतर टीम है इंडिया के मुकाबले। जहाँ बात करें इंडिया की, तो टीम इंडिया जो है अभी फ़िलहाल ऐसी दिखाई दे रही है कि पूरी तरीके से जो है विराट कोहली के ऊपर निर्भर है। अगर विराट कोहली रन्स बनाएंगे तभी टीम इंडिया जीतेगी, नहीं तो फिर टीम इंडिया के बहुत ज़्यादा मुश्किल चांस है। दोस्तों टीम इंडिया जो है पहला टेस्ट मुकाबला केवल 31 रन से हारी है, जहाँ पे जो है पहले इनिंग में विराट कोहली ने 149 रन मारे और सेकेंड इनिंग में जो है विराट कोहली ने अकेले 51 रन की पारी खेली। अगर दोस्तों हम विराट कोहली के दोनों इनिंग्स के रन को निकाल दें तब दोस्तों टीम इंडिया का जो स्कोर है वो बहुत ही ख़राब दिखाई देता है। इससे तो एक बात मालूम पड़ता है कि अगर टीम इंडिया को दूसरा टेस्ट मैच जीतना है तो जो बाकी के बैट्समैन हैं उनको भी विराट कोहली का साथ देना पड़ेगा, नहीं तो जो है टीम इंडिया को इस 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो है टीम इंडिया ने की वो है चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप करके। दोस्तों चेतेश्वर पुजारा जो है भले ही उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन पुजारा का जो नाम है वो एक टेस्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन में आता है, इसीलिए जो है चेतेश्वर पुजारा को टीम से बाहर करना मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती थी टीम इंडिया की। और ऐसा देखते हैं कि अभी दूसरे टेस्ट में पुजारा की वापसी जो है वो लगभग से फिक्स होने वाली है। दोस्तों आज जो है टीम इंडिया के पास बहुत ही अच्छा मौका था, क्योंकि जो टारगेट था वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक अचीवेबल टारगेट था जिसको विराट कोहली और जो उनकी बाकी के प्लेयर्स थे वो बड़ी आसानी के साथ में चेस कर सकते थे। लेकिन इतने कम स्कोर को भी जो है टीम इंडिया चेस नहीं कर पाई, और आगे देखते हैं सीरीज़ में क्या इंडिया वापसी कर सकती है या फिर इंग्लैंड का जो दबाव है वो टीम इंडिया के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों अभी जो है हम सभी को ये बहुत बड़ी शिद्दत थी, चाहत थी कि टीम इंडिया जो है इंग्लैंड में जाके टेस्ट मैच को जीते, दोस्तों जो कि आज के दिन दिखाई देने वाला था। लेकिन बेन स्टोक्स ने जो है आज बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की, 4 विकेट झटक के जो है बेन स्टोक्स ने मैच के पूरे रूप को ही बदल दिया। वहीं बात करें इंग्लैंड के एक नए सितारे की, उसका नाम है सैम कुरन। दोस्तों बहुत ही युवा खिलाड़ी है, जिस तरीके से इसने गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी की है, एक इम्पैक्ट इनिंग खेल के गए हैं इंग्लैंड के लिए, वही दोस्तों जो है टीम इंडिया के लिए एक पलटवार होने को मिला था। क्या दोस्तों टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करेगी या फिर इंग्लैंड की टीम का दबाव टीम इंडिया के ऊपर और चढ़ जाएगा? इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपका मन किया तो। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।